हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मितुल और आप देख रहे हैं द इजी लर्न एंड्रॉयड। तो अगर दोस्तों आप डायरेक्टली मेरा थर्ड वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाके मेरा एक दो वीडियो जो पहला और दूसरा वीडियो था वो देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैंने इस थ्री वीडियो के अंदर पूरा का पूरा गूगल मैप का ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ओके, ये लाइव है, मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ साथ में। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जाके वो देख लीजिएगा, इसके बाद ये देखिएगा ताकि आपको पूरा गूगल मैप किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वो आपको पता चल जाए। ओके, तो चलो अपने चलते हैं प्रोजेक्ट पे। और अगर दोस्तों हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो हमने काम हमारा कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन लेंगे और इस बटन पे क्लिक करने के साथ हम यहाँ पे रूट जो है हमारा दो लोकेशंस के बीच में रूट आता है वो हम शो करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे गूगल ने जो रूट की पॉलिसी थी यहाँ पे वो पेड कर दी है दोस्तों। पहले वो गूगल जो था वो हमारा कोडिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे डायरेक्टली हमारे मैप के अंदर रूट हम शो करवा दे सकते थे, पर दोस्तों अब ये गूगल ने पेड कर दिया है। वो चाहते हो कि आप पेड डिपेंडेंसी यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको गूगल कंसोल पे जाके अपने बिलिंग एपीआई जो है आपको अनेबल करनी पड़ेगी और इसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, मंथली इसका चार्ज लगता है। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, पर दोस्तों पैसा लगेगा। पर दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे जो है फ्री हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली हमारा गूगल मैप का यूज़ कर लेंगे रूट शो करने के लिए। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि सिंपली हम यहाँ पे जो दो रूट होते हैं इसको हम गूगल मैप जो हमारा मोबाइल डिवाइस का गूगल मैप होता है इस पर मेंटेन होंगे और वहाँ पे हम हमारा लोकेशन जो है जो रूट है वो सेव शो करेंगे। ओके, तो चलो हम यहाँ पे एक्सएमएल बटन ले लेते हैं एक्सएमएल फाइल में जाके। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक बटन ले लेता हूँ बटन, और इसको मैं रैप कंटेंट रख देता हूँ और यहाँ पे एक आई डी सेट कर देता हूँ इसकी BTN रूट। ओके, और इसके बाद मैं इस पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ शो रूट, और इसके बाद मैं इसको नीचे बटन को ले लूँगा और इसको सेंटर में भी रख दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, और यहाँ पे अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा बटन जो है लास्ट में आ गया नीचे। यहाँ पे मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8 dB मार्जिन। ओके, और इसमें विजिबिलिटी मैं गॉन कर देता हूँ। तो दोस्तों हम गॉन इसलिए करते हैं जब आप रूट मैप के ऊपर क्लिक करोगे तो जब आपको ये जो लेट लॉन्ग है वो मिल जाएगा इसके बाद ये बटन शो होगा, ताकि आपको इंटेंट होते हो जब गूगल मैप पे तो आपका नल पास ना हो इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ ऊपर बटन को डिफाइन कर देंगे, इसकी आई डी डिफाइन कर देंगे प्राइवेट बटन BTN रूट। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे इसके आईडी डिफाइन कर देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे कर देता हूँ BTN रूट इक्वल्स टू माय व्यू बाय आईडी। आर डॉट सॉरी यार क्यों है सॉरी आर डॉट आईडी डॉट BTN रूट। ओके, क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसकी विजिबिलिटी विजिबल करवाएंगे कहाँ पे, तो हम तो जब यहाँ पे मैप के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैप सेट ऑन क्लिक लिस्टर मेथड के अंदर हम यहाँ पे जब हमें लेट लॉग मिल जाए तब हम यहाँ पे बेटर बटन को विजिबल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ BTN रूट डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, तो हमारा बटन जो यहाँ से विजिबल हो जाएगा और इसके बाद हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले और इसके बाद हम यहाँ पे इस बटन के क्लिक इवेंट सेट करेंगे, क्योंकि हम जो क्लिक इवेंट सेट करना चाहते हो हम यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हम क्लिक इवेंट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख देता हूँ दोस्तों कहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे BTN रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो हमारे ऑन क्लिक लिसनर मेथड यहाँ पे कॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम हमारा जो इंटेंट का जो कोड है हम यहाँ पे करें लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे स्ट्रिंग URL हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल स्ट्रिंग, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ URL इक्वल्स टू करके
यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल कोट्स के अंदर गूगल डॉट नेविगेशन कॉलन, यहाँ पे आप पास करते हैं क्यू और एक प्लस टू करके हम यहाँ पे प्लस करके हमें जो लेट लॉन्ग यहाँ पे लिया था आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे सिलेक्टेड लेट लॉन्ग यहाँ पे जो है इसको यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल लिख लेता हूँ सिलेक्टेड लेट प्लस करके डबल कोट के अंदर एक कॉमा सेट कर देंगे और इसके बाद प्लस करके सिलेक्टेड लॉन्ग ओके, और इसके बाद प्लस करके डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे एंड करके मोड पास कर देंगे मोड ओके। ये मोड है ड्राइविंग मोड, बाइसिकलिंग मोड, वॉकिंग मोड, ये इसका मोड है मोड इक्वल्स टू करके हम डी ड्राइविंग मोड कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इंटेंट होना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटेंट, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैप इंटेंट इक्वल्स टू करके यहाँ पे न्यू इंटेंट, और इस इंटेंट के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है एंड्रॉयड डॉट और इसके बाद इंटेंट डॉट एक्शन डॉट व्यू, क्या करना चाहते हैं व्यू करना चाहते हैं तो व्यू और यहाँ पे कॉमा करके हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे यू आर आई, हमारे पास क्या है यू आर आई, हम यू आर आई को पास करने के लिए हम यहाँ पे यू आर आई डॉट पास यू आर आई, मैं यहाँ पे यू आर आई को इस स्ट्रिंग यू आर आई को हमने यहाँ पे यू आर आई के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे यू आर आई डॉट पास यू आर आई और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग यू आर आई के अंदर पास कर देंगे ओके। तो हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ मैप इंटेंट डॉट सेट पैकेज, यहाँ पे पैकेज सेट कर देंगे पैकेज और इसके अंदर हम डबल कोट के अंदर लिख लेंगे कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्स डॉट, इसके बाद यहाँ पे लिखना है मैप्स ओके, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद आपको सिंपली लिखना है अब हमारा काम हो चुका है इफ़ कंडीशन के अंदर इफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैप इंटेंट, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे डॉट रिजोल्व एक्टिविटी और इसके अंदर पास कर देंगे गेट पैकेज मैनेजर और इट इक्वल्स टू करके हम चेक कर लेंगे ये नल नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली इंटेंट हो जाएंगे तो स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर पास कर देंगे हमारा मैप इंटेंट ओके फ्रेंड्स। तो हमारा काम जो यहाँ पे हो चुका है ओके तो मैंने अगले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम यहाँ पे इस लेट लॉन्ग को और एड्रेस को हम सेव करेंगे हमारे एसक्यूएलआईट डेटाबेस के अंदर। तो दोस्तों यस इसको आप उनको क्रिएट करना चाहते हो अगर दोस्तों आप सेव करना चाहते हो तो मेरा एसक्यूएलआईट डेटाबेस का ट्यूटोरियल है वो आप देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको एसक्यूएलआईट डेटाबेस करके इस तरह से, और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है इस तरह से, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है आपको दिखाने के लिए ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डी बी डॉट ओपन और क्रिएट डेटाबेस डी बी डॉट, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया है मोड प्राइवेट और फैक्ट्री नल ओके। और इसके बाद डी बी डॉट एक्सेस एसक्यूएल क्रिएट टेबल इफ नॉट एक्सिस्ट, यहाँ पे टेबल का नाम दिया है सेव लोकेशन आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एम लैटिट्यूड टेक्स्ट के अंदर लॉन्गिट्यूड ये टेक्स्ट के अंदर और एड्रेस और टेक्स्ट के अंदर, और दोस्तों हमें यहाँ पे जो क्लिक के अंदर मिलता है वो एड्रेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो सभी ओके। और इसको सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे दोस्तों ये सब आपको मिलता है वो आपको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक और बटन ले लेना है और इस बटन के क्लिक के अंदर आपको लोकेशन को सेव करवाना है तो यहाँ पे इस लैटिट्यूड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दीजिएगा और एड्रेस तो आपको स्ट्रिंग में ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मेरे कमेंट में वीडियो जो रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ओके बिट्टी है सेव करके ओके। और यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ओके इस तरह से, और यहाँ पे लेट लॉन्ग क्रिएट कर लिया और यहाँ पे सिंपली डी बी डॉट एक्सेस एसक्यूएल इंसर्ट इन टू, यहाँ टेबल का नाम है और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कौन कौन सी वैल्यू हम सेव करना चाहते हैं तो इंटीजर प्राइमरी की आईडी जो है हमारी वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे तीन वैल्यू हमारी डालनी पड़ेगी तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एड्रेस, और इन सभी इसको हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर इस जो यहाँ पे हमें मिली है एस टी आर लेट लॉन्ग और एड्रेस तो हमें यहाँ पे नीचे मिलता है ओके। तो वो सब कुछ
यहाँ पे आपको सिंगल कोट डबल कोट इसके बाद इस पर प्लस प्लस करके इसके अंदर लिख लेनी है वैल्यू आपको, और कॉमा करके ये यहाँ पे जो है इसको पहलाना चाहिए। हम लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ पे दूसरी जगह पे लॉन्गिट्यूड, और एड्रेस है तो एड्रेस, तो इस कॉलम के अंदर आपका वैल्यू सेव हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके तो फिर चलो फ्रेंड्स हम यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा जो वर्क या रूट का हो। ओके कुछ नहीं है, सिंपल है, तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर दोस्तों आपको इसका डेटा भेज आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोस्तों नहीं आता तो आप वहाँ से आके ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, वो सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया है, यह सब कुछ सही है। यहाँ पे इस तरह से भी लिखेंगे तो जो मैंने दिखाया इस तरह से लिख देंगे तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। ओके तो पूरा ट्यूटोरियल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। ओके तो चलो फ्रेंड्स मैं आपको इस यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करके बता देता हूँ हमारा वर्क जो किस तरीके से होता है। तो चलो फ्रेंड्स मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ हमारा जो रूट होता है किस तरीके से शो होता है। ओके तो हम यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हो हमारा जो बटन है जो विजिबल हो चुका है शो रूट का, और यहाँ पे हमें एड्रेस भी मिल रहा है। ओके तो मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मैप जो है लोड हो चुका है, और हमें रूट भी मिल रहा है। ओके बेस्ट रूट हमें मिलता है। ओके फ्रेंड्स तो मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने इस ट्यूटोरियल को क्रिएट किया है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, पर दोस्तों मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा कि जो पहले से शुरू से लेकर लास्ट तक हम पूरा का पूरा गूगल का मैप का हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ ट्यूटोरियल रूट का होगा और सिर्फ जो हमारा एड्रेस क्रिएट करते हैं उसका होगा। तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ओके तो चलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, और मैं कई वीडियो भी ऐसे भी लाता हूँ जो यूनिक होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे वीडियो गूगल पे बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो कई लोग नहीं बनाते हैं। ओके अगर दोस्तों आपको देखना है तो इन्हें अपडेट है, इन्हें परचेस है, और दोस्तों सब वीडियो मेरा देख लीजिए एक बार, गूगल पे कोई नहीं बना रहा है वो ऐसा वीडियो, और मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो वर्क करता है और इम्प्लीमेंट भी करता हूँ आपके सामने। तो चलो फ्रेंड्स आपका ख्याल रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय। ओके